हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे सेकेंड हमारी टाइगर पेंटिंग का। मैं टाइगर पेंटिंग पे वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैंने रात को ऑलमोस्ट 9 मिनट कुछ कम थे, तो मतलब सोई, पता नहीं फिर कब उठी, टाइम देखा नहीं था तब। और फिर खाना वाना बनाया, खाया, वो हुआ, तो अब मैं ड्राइंग पे काम करने लगी हूँ दोबारा से। तो मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने कितना वर्क किया है। तो ये इतना हो चुका है। नीचे मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा, मैंने सोचा था कि मैं ना इसको ग्राउंड का टेक्सचर दूँगी, जैसे मिट्टी होती है नीचे, तो वो है। ये इसकी बाजू है टाइगर की, और ये इतना टाइगर होगा हमारा, यहाँ तक ही हमारा टाइगर होगा। नीचे देखती हूँ, अगर मेरे को उसका ज़मीन का टेक्सचर सही लगा तो ज़मीन का टेक्सचर बनाऊँगी, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं पत्ते वगैरह या फिर लकड़ी ही सोच रही हूँ कि बना दूँ, और फिर ये हो जाएगी कंप्लीट। और ये मैं बना रही हूँ एग्जीबिशन के लिए। ये मेरी फर्स्ट एवर रियलिस्टिक एक्रेलिक पेंटिंग है। मैंने एक बहुत पहले ड्रॉ किया था, एकदम रफ स्टडी थी, वो एलोवेरा प्लांट की थी, तो वो मैंने बनाई थी, बट कुछ ज़्यादा खास नहीं मैंने उसमें किया था, ना मुझे तो उतना कुछ पता था। अभी वाले में भी जब मैंने ये हेयर्स बनाए हैं, यू नो, ये वाले हेयर्स, ये द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, अगर आप मेरे को कोई पूछोगे कि पेंटिंग में क्या था अब तक का, तो ये था, ये वाला। इन पार्ट्स में मैंने पहले तो मुझे आधा दिन लग गया इसको ये पता करने में कि भाई कौन से टेक्निक काम करेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर भी कि कैसे बना सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट, उन सब वीडियोस में से पता तो चला कि क्या करना है, बनाना तो फ्री है, बट वो टेक्निक मैं सही में बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी कि उन लोगों ने क्या किया। पहले उन्होंने अंडर पेंट किया, फिर उसमें शेड्स ऐड किए, और फिर लाइट टोन्स ऐड किया, तो वो मुझे समझ आया कि उन्होंने वो किया, बट एक फर बनाने के लिए, एक हेयर बनाने के लिए आपको पेंट ब्रश को कैसे यूज़ करना है ये नहीं पता, और ये पता चला भी नहीं वहाँ से भी। तो मैंने कुछ ब्रशेस ख़रीदे थे, मैं बता देती हूँ। मैंने ना ये 3-4 टाइप के ब्रशेस ख़रीद के रखे हैं, ये सारे सिंथेटिक ब्रश हैं, इसमें से नेचुरल वाला कोई भी नहीं है, सब सिंथेटिक है। इस वाले ब्रश को, ये जो ये होता है, इसको कहते हैं लाइनर ब्रश। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ट्राई करके देखती हूँ इससे कुछ होता है, तो इस वाले से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस वाले से मैंने ब्लैक पार्ट जो है हेयर्स के, जो ब्लैक हेयर्स हैं, वो ड्रॉ कर किया, ऑलमोस्ट गुड, ज़्यादा खास कुछ भी नहीं। येलो अंडर पेंट किया है इससे, तो बचे ये दो का पेंट, और ये दोनों इतने पतले हैं, सी, ये इतने पतले हैं, इतने बारीक हैं, उसमें से भी ये जो है ये 00 है, ये वाला जो है वो 00 है, मतलब ये वाला थोड़ा बड़ा है इस वाले से, तो बिल्कुल माइन्यूट हेयर्स। मैं एक्चुअली देखेंगे आपकी टेक्निक का भी फ़र्क पड़ रहा है, आई थिंक यहाँ पे। तो हेयर्स बनाने के लिए मैं पहले देख रही थी, मैंने देखती हूँ कि जैसे मैं पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ जब हेयर्स, तो मैं देखते कि टेक्निक तो वही होगी, वैसे ही कुछ होगा, बट पेंट से होगा बादल लगे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ। और मैंने मैंने उसको किया, वो फर जो थे उसकी मुझे ना, यू नो, लेयरिंग का पता नहीं चला पहले, तो लेयरिंग कैसे करनी है, ये तो पता है कि लेयरिंग करते हैं पहले डार्क, फिर लाइट, फिर उसमें लाइट होते जाते हैं, तो एक आप वैसे कर सकते हो, और एक ये होता है कि पहले आप लाइट करो, लाइट से फिर आप डार्क में जाओ, तो वो हो सकता है। तो मेरे लिए डार्क टू लाइट तो काम नहीं किया, मेरे लिए लाइट टू डार्क काम किया, तो मैंने फिर वो किया, क्योंकि द थिंग इज़ लाइक, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को सही नहीं कह रही हूँ, कोई थ्योरी को नहीं कह रही हूँ कि गलत है, कोई थ्योरी को नहीं कह रही हूँ कि सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज एवरीवन इज़ यूनिक, राइट। तो पेंटिंग जो है एक इंजॉय करने का प्रोसेस है, एक आर्ट है, ये आर्ट इसीलिए बोलते हैं कि ये एक टेक्निक, ये इसमें आपको कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं, आपका जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वैसे बनाओ, आपको एक छूट मिलती है यहाँ पर, राइट। तो उसमें भी अगर आप प्रिंसिपल्स ऐड कर दोगे, अब टेक्निक्स ऐड कर दो कि नहीं यही करनी है और इसी से होगा, तब यही करो, तो वो चीज़ थोड़ी जो है वो आपको, यू नो, बाउंड कर सकती है एक्सपेरिमेंट से।
तो वो हो सकता है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि मैं सही बताऊं तो मेरे लिए वो चीज़ें काम नहीं की। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मैं सही में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी हेयर्स के लिए। मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस भी किया, कुछ काम नहीं किया। और अब मैंने कल आधा दिन अपना आधी रात तक बैठी रही यही फाउंड करने में। और फिर उसके बाद में जाके मुझे पता चला, अच्छा एक्चुअल में इसको ऐसे ड्रॉ करना है, हेयर्स को ऐसे देना है हेयर्स का लुक। तो फिर मैंने वो ट्राई किया, बहुत बढ़िया बना। मैंने कहा चलो भाई पता चल गई टेक्निक क्या होती है, फिर आसान हो गया करना। तो उसमें फिर मैंने यही दो ब्रशेस को यूज़ किया है माइन्यूट, क्योंकि जो फेस का जो पार्ट है वो छोटे छोटे हेयर्स हैं वहाँ पे, राइट। आपकी बॉडी हो अगर तो बॉडीज में ज़्यादा हेयर्स होते हैं ट्राई करके, बड़े बड़े हुए होते हैं, तो फेस जो है उसमें छोटे छोटे होते हैं, राइट। तो छोटे छोटे के लिए मैंने यही ब्रश यूज़ किया है। बहुत टाइम लगा है, मैं तो टाइम ही भूल गई थी कि मतलब कितना हुआ है। मैं जबकि लंच डिनर भी रात का मेरे भाई ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया। 6 7 5, हाँ 5 बजे मैं बैठी थी करने के लिए, और मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। बस वही, और उसके अलावा तो मैंने बस यही बनाया है। और बट मैं खुद काफ़ी मतलब खुश हूँ नई प्रोग्रेस देख के कि मैंने ये किया है, बना दिया। एंड या आई लव इट, लाइक यू नो सी देख के से रही आई लव इट। यहाँ के जो नोज़ का जो पार्ट है, ये आपको इतना ज़्यादा यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट इस वाले पार्ट में मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ। अभी भी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है जो भाई मेरे को पता नहीं है कैसे करना है। मैं अभी अंदर तो धूप ख़त्म हो गई है, बाहर धूप है, तो मैं बाहर छत पे जाके बैठूंगी, वहाँ जाके बनाऊंगी बाकी वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो देखना मत भूलना। बाय।